हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के तौर पर न केवल अडॉप्ट किया जाएगा बल्कि लागू भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कई सारे वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। देखिए कि जो पार्टी ने घोषणा पत्र जिसको कि जिसमें कि वायदे किए जाते हैं 5 साल के लिए, वो प्रतिज्ञा पत्र के तौर पे आज पेश किया है और ये एक तरह से हल्फनामा है, एफिडेविट है हमारा कि हम ये चीज़ें करेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग में इसको नीतिगत दस्तावेज के तौर पे अडॉप्ट करके इस पे मंत्रिमंडलीय उपसमिति बना के इसकी इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया जाएगा। और हमने इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ओपीएस जो है हम प्रदेश के कोर्स से देंगे, इस पे कोई विवाद नहीं है। हम मंत्रिमंडल के जैसे ही सरकार शपथ लेगी और पहली बैठक होगी उसी दिन कर्मचारियों को पेंशन का ऐलान किया जाएगा। 19 साल से ये पेंशन नहीं मिल रही है और इस पे कोई हमारा बीजेपी से कोई हम बात विवाद नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि ये असंभव है और हमने कह दिया संभव है। आप उनका स्टैंड स्पष्ट है, हमारा स्टैंड भी स्पष्ट है। हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे, वो कहते हैं कि कहाँ से देंगे, ये जब हमारी सरकार बनेगी ये हमारा काम है, हम किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे, हम अपने संसाधनों से अपने बजट से कर्मचारियों को पेंशन देंगे, ये हमारा वायदा है। नंबर टू, महिलाओं को 1500 रुपये देने का हमारा वायदा है। 18 साल से 60 साल के बीच की महिलाएं, उनको ये पैसा हम जारी करेंगे और इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे ये उठाए जाएंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का हमने घोषणा की है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 300 यूनिट तक हिमाचल प्रदेश में बिजली के बिल नहीं आएंगे। और उसके बाद हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम एक 680 करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेंगे जो कि युवाओं को बिना कर्ज पे बिना ब्याज के कर्जा मुहैया करवाएगा। और इसमें अगर इसकी राशि की अगर बढ़ोतरी की ज़रूरत पड़ी तो वो समय पे की जाएगी। मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि इस तरह का घोषणा पत्र 2012 में भी कांग्रेस ने जारी किया था लेकिन वो वायदे सारे झूठे थे। ऐसा है, 5 साल से इनकी सरकार है, इनको अब जाना है। इन्होंने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, इन्होंने बना दिए। इन्होंने कहा था कि हम 4 लेन्स बनाएंगे, इन्होंने कोई 4 लेन बनाई। इन्होंने कहा था 4 गुना मुआवजा देंगे ज़मीन का, इन्होंने दिया। इन्होंने कहा था हम रेल लाइनें बनाएंगे, इन्होंने रेल लाइन बनाई। इन्होंने कहा था हवाई पट्टियाँ बनाएंगे, इन्होंने हवाई पट्टियाँ बनाई। ये अपना बात करें कि जो इन्होंने दृष्टि पत्र बनाया था सरकार में बैठते ही इन्होंने अपनी दृष्टि जो है बंद कर दी, आँखें बंद कर दी। तो इसके मंत्री ने कहा है कि जो गारंटियाँ दी गई है ये सिर्फ एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। अरे हम राजनीतिक पार्टी हैं प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है प्रदेश के विकास कल्याण के साथ साथ हम सत्ता स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश की जनता ने जो 5 साल के दौरान हमें बातें कही हम उन पर इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं और हमें फ़ख्र है कि ये जो है डॉक्टर वाईएस परमार की पार्टी है, ये वीरभद्र सिंह जी की पार्टी है और उसमें हम एक विज़न के साथ डॉक्यूमेंट लाए हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।